चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आम लोगों से भिड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, जब उनकी जो है आत्माएं जाग गए तो तरह तरह की जो है मुसीबतों को खत्म करके रख दें। अभियान लेकर चलेंगे, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम जो है बिल्कुल मांग करते रहे। इतनी सर क्यों आपने लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की है? देखो ए मिनट। हम तो यही कह रहे हैं उन बच्चों ने यू सास करा यू कदम उठा जो उनका उत्पीड़न हो रहा था, उन्होंने एक समाज के आगे अपने सम्मान दांव पर रख के और इस तरह का निर्णय लिया। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम नहीं चाहते कहीं कुछ रुका रोड़ा हो, नाम तोड़ फोड़ में विश्वास रखते, पर बस यह मान सम्मान की बात है। चतो जितने भी चौधरी है, खाप के चौधरी है, जिम्मेदार है, उन बच्चों को हाथ इज्जत से उठा लो। आम लोगों के जो सवाल होने चाहिए और जो सवाल आम लोगों के जहन में होने चाहिए उन्हें उठाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये पर्चा बांध रहे हैं। ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े जोर शोर से दिया था, जिसने कहा था कि हमारे लिए सबसे बढ़ के जो इज्जत है वो बेटियों की है। लेकिन आप समझिए कि अगर अस्मिता के सवाल को इतना छोटा करके देखा जाएगा तो ये सही बात नहीं है। जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करे, उस लोकतंत्र की पोल तब खुले जब ये देखा जा कि इतनी बड़ी पहलवान जो है सड़कों पे रो रही और कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। दूसरा, आम लोगों का एक मुख्य सवाल ये है कि अगर देश की चोटी की महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव है और ऐसा सलूक है तो हम अपनी बहन बेटियों के साथ या आम समाज की जो औरतें हैं उनके लिए हम क्या सोच सके कि उनका क्या हाल होगा? अगर कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो क्या उनकी कोई सुनवाई करेगा? क्या उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा? इस बात की हम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी यही अपील है कि इस आंदोलन को लोगों का समर्थन मिले और ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुँचे, सरकार को चेतना होगा और ये जो झूठे नारे है कि बेटी हमारे लिए सब कुछ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारे इन्हें जो है असलियत में लाने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी बहुत जल्द जो है इनका तख्ता उलटने वाला है और ये जो है सही नहीं होगा। आम लोगों से भिड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, जब उनकी जो है आत्माएं जाग गए तो तरह तरह की जो है मुसीबतों को खत्म करके रखते हैं। तो ये अच्छा, आपको क्यों लगा कि गांव-गांव में ये पर्चा बटना चाहिए? इससे क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? क्यों ये चीज़ें आप फैला रहे हैं? देखो, ये इतनी बड़ी बात है कि जो ओलंपिक में लड़कियां खेल आई और उनके साथ ये हरकत है, तो हमारी लड़कियां तो घर से बाहर भी नहीं निकले। एकदम नेगेटिव बात आएगी, हर आदमी ये कहेगा कि लड़कियां कह रही, हमें नहीं जान देने के। हमें तो छोटे छोटे कामों के लिए अभी बच्चों को प्रोत्साहित करके धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है कि अभी जब मेडल जीत का आई तो मोदी जी कहते कि ये हमारी बेटियां हैं, ऐसे कह रहे कि भाई बहुत ज़्यादा जाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जबरदस्त दे रहे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा, अब उनका पता भी नहीं ले रहे। मैं दिल्ली में ही बैठी, बहुत दूर नहीं है, और उनका पता नहीं लिया जा रहा उनके घर से कितनी दूर है। कई संदेश तो भिजवाया जा सकता, उनसे मिला जा, देखो प्रधानमंत्री नहीं जाते, उनके प्रतिनिधि जा सके थे, प्रतिनिधि जाके बात कर सके।
उनका दुख दर्द तो वो जा सकें, क्या वे बेटियां नहीं हैं, इस देश की बेटी हैं और वे प्रथम स्थान पर हैं, उन्होंने जो है देश का मान बढ़ा रखा, देश का गौरव बढ़ा रखा। आपका ये अभियान कब से चला और कितने लोग आपके साथ अभी इस अभियान में लगे हुए हैं? देखो लोगों की तो गिनती नहीं, हम कोई 10-15 आदमी चले थे और अभियान में आदमी है बहुत, जो भी हमारे साथ आवे साथ हो ले, महिलाएं खुल के समर्थन में आ रही, बहुत सी महिलाएं अकेली भी बैठी जगह जगह, आप शायद गए नहीं, जगह जगह टोलियों में बात कर रही, समर्थन है ज़बरदस्त है और हम कम से कम 3-4 दिन से तो इसमें लग रही और लंबा अभियान लेकर चलेंगे, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम जो है बिल्कुल मांग करते रहे। इनकलाब के नारों से लड़कियों का इनकलाब।